आपका इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जैसा आपको पता ही है कि ये चुनाव जिसे हम राष्ट्रीय पर्व कह रहे हैं वो चल रहा है और कारगिल में भी पांचवें चरण में चुनाव होंगे। अब इस संदर्भ में प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, उससे संदर्भित वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे आमजन को जाननी चाहिए, ये ढेर सारी बातें आज हम कारगिल के जिला निर्वाचन अधिकारी डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। बहुत बार जब व्यवस्थाओं की बात की जाती है कि भाई ढेर सारी ये व्यवस्थाएं की गई हैं और चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो या उससे संदर्भित जो भी इकाइयां हैं, वो ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं करती हैं, पर कई बार ये आमजन जान ही नहीं पाते कि ये कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे लिए कौन कौन सी उपयोगी हैं, हमें यदि कोई दिक्कत हो रही हो तो हम कहाँ शिकायत करें, कैसे जाएं, वो कौन सा माध्यम होगा जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, ये ढेर सारी बातें कई बार लोगों को पता नहीं होती हैं। हमारा ये कार्यक्रम भी विशेषता उसी से संदर्भित है, इसके बारे में सर हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। सबसे पहले मैं कारगिल रेडियो का धन्यवाद करना चाहूँ जी, आज मुझे यहाँ पे बुलाए। तो आप सबको पता है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है उन्होंने जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन है उसको 16 मार्च को अनाउंस किया, तो उसमें अगर लद्दाख की बात करें तो एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लद्दाख में दोनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है और उसका चुनाव पाँचवें फेज में जी प्लान किया। तो उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन 26 अप्रैल है जी। और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 3 मई को है। उसके बाद जो नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा उसका स्क्रूटिनी 4 तारीख को होगा नेक्स्ट डे, एंड 2 दिन का टाइम होगा विदड्रॉल के लिए, अगर कैंडिडेट विदड्रॉल का तो वो होगा 6 मई को। तो हमारा जो पोलिंग डे होगा वो 20 मई 2024 और ओवरऑल कंट्री में 4 जून को हमारी काउंटिंग होगी। तो ये हमारा लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का प्लान मैंने बताया। तो कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव करने के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जी। तो जो लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ले, वो रिटर्निंग ऑफिसर है जी जी। एंड कारगिल में ओवरऑल मैनेजमेंट इलेक्शन की मैनेजमेंट के लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर कारगिल को जिम्मेदारी दी गई। तो तैयारी की बात करेंगे, जब भी हम घर में भी देखते हैं अगर कोई त्यौहार आता है तो हम सब उसकी तैयारी के लिए जुड़ जाते हैं ताकि सारे सब लोग अच्छे से मैनेजमेंट अच्छा हो। सिमिलर पैटर्न में 5 साल में ये सबसे बड़ा चुनाव देश में आता है, तो उस दिन जो पोलिंग डे होता है उस दिन पोलिंग स्टेशन पे वोटर आके अपना कीमती वोट देता है, तो वो हमें लगता है कि एक सिंपल चीज़ है, बट उसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो बहुत सारी तैयारियाँ पिछले 6 महीने से की जा रही, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर कारगिल की बात करेंगे तो लगभग 280 हमारे पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें एक ऑक्सिलियर पोलिंग स्टेशन है जो रिसेंटली हमें अप्रूवल मिला था, और बाकी जो 279 पोलिंग स्टेशन मेन पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें हम बात करेंगे कि जो संस्कार हमारा एक सब डिवीजन होता है उसमें भी 44 पोलिंग स्टेशन उसमें हमारे हैं। तो इसमें हमने पिछले चुनाव में भी कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन का एक कंसेप्ट था, वो इम्प्लीमेंट भी किया गया था। तो मॉडल पोलिंग स्टेशन का मीनिंग यही होता है कि वहाँ हर तरह की फैसिलिटी वोटर्स के लिए अवेलेबल की जाएगी और वो हर चीज़ में वो मॉडल पोलिंग स्टेशन होगा। हमने लद्दाख कारगिल में 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हमने नॉमिनेट किए जो मॉडल पोलिंग स्टेशन होगी, और एक होगा जो वुमन पोलिंग स्टेशन होता है, उसका मतलब यही कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है पोलिंग पर्सनल होगी वो वुमन पोलिंग पर्सनल होगी, और एक स्पेशल हमारे जो PWD वोटर्स उनके लिए एक पोलिंग स्टेशन हमने डेसिग्नेट किया। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो भी पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग की जाती है तो उससे पहले बैकग्राउंड में हमारी तरफ से एक डिटेल एक्सरसाइज जो पुलिस के साथ मिलकर हम करते हैं कि कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज तो नहीं है या कुछ आने का प्रॉब्लम, कुछ पोलिंग डे पे कुछ हमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, तो उसके लिए डिटेल एक्सरसाइज की जाती है। तो उसके मद्देनज़र क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन उनको बोलते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें केयर करने की जरूरत है। तो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से हमने यहाँ पे भी कुछ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन रखे, उसमें पुलिस सिक्योरिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और CCTV सर्विलेंस का भी प्रोविजन होता है, वीडियोग्राफी होती है और वेब कास्टिंग का भी प्रोविजन हमने किया है। तो इस बार हमारे जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हो गए 118 हमारे पोलिंग स्टेशन है आउट ऑफ 280, उसमें
वेबकास्टिंग भी की जाएगी जी, ताकि फ्री एंड फेयर जो पोलिंग का प्रोसेस हो उसको मॉनिटरिंग की जाए और कोई दिक्कत ना आए वो सारी चीज़ें देखी जाए। और सारे 280 पोलिंग स्टेशन में हमने डिटेल एक्सरसाइज की है कि अगर वोटर वहाँ पे जाएगा तो उसे कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारी पोलिंग पर्सनल एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचेंगे उनके लिए भी सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए भी रैम की सुविधा होनी चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ का हमने डिटेल सर्वे किया है। और हमारी कोशिश है कि जब हमारा मतदाता 20 मई को पोलिंग स्टेशन पे जाएगा तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस आए कि वो अपना कीमती वोट डालने के लिए वहाँ पे जा रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे, यही हमारी कोशिश उसके पीछे रही है। जी, हमने जैसे शुरुआत की आपने कहा कि भाई एक आयोजन किया जाता है उसके लिए ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएँ की जाती हैं, चाहे वो हम घर में करते हैं और उससे लेकर ढेर सारे ऐसे आयोजन, उसी प्रकार का आपने कहा कि चुनाव आयोग भी करता है। हम अपने उन वोटर्स को जिनको हम कह रहे हैं कि हम जो हमारे अतिथि हैं एक तरह, जिन्हें हम उस दिन बुलाना चाहते हैं, अतिथि क्या उनका राष्ट्र निर्माण में योगदान है, यदि हम उन्हें और किसी तरह से अवेयर कर पाएँ और कोई ऐसी बातें कर पाएँ जिससे वो अधिकाधिक इस चुनाव में भाग लें, इसमें अपनी सहभागिता करें। अगर कारगिल जिले की बात करें तो पिछला जो 2019 का हमारा चुनाव हुआ तो ओवरऑल वोटर टर्नआउट हमारा 79% था, वो अगर एवरेज की बात करें नेशनल तो बहुत अच्छा माना जाए। तो फिर भी हमारा एक कोशिश है कि इस बार हमारा वोटर टर्नआउट उससे भी ज़्यादा हो, उसके लिए क्या क्या कोशिश की जानी है उसके लिए सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस है जो इस बार पहली बार वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं, जो 18+ रिसेंटली किया और पहली बार उनका लोकसभा इलेक्शन में वो वोट डालेंगे, ऐसे वोटर जो हमारे यंग वोटर्स हैं और उनके लिए एक स्पेशल कैंपेन हमने किया है कि ये आपका फर्स्ट वोट देश के लिए होना चाहिए, ये करके इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन डिज़ाइन किया, उसी को हम आगे यहाँ पे चला रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने डिग्री कॉलेज और बाकी जगहों पे अभी किए जा रहे हैं और आगे पोलिंग होने तक हमारा कोशिश रहेगा कि ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम कैसे उसको कराया जाए। और दूसरा आपने एक चीज़ बोला कि कई बार ऐसा भी इशू आता है कि वोटर्स सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ओल्ड एज के कारण वो पोलिंग स्टेशन पहुंच नहीं पाते, या फिर हमारे कुछ दिव्यांग वोटर्स भी होते हैं वो भी पोलिंग स्टेशन पे पहुंच नहीं पाते, उसके लिए फैसिलिटी एक इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड की है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 85 से ज़्यादा है और जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं जिनका डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उनके पास कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट है, उनके लिए एक होम वोटिंग का प्रोविजन किया जा रहा है। तो वो हमने लास्ट टाइम जो हमारा पिछले साल यहाँ का लोकल LSDC का काउंसिल इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमने ये प्रोविज़न दिया था वोटर्स के लिए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी हमें आया था। तो उसमें फॉर्म 12D करके एक फॉर्म BLO जो ऐसे वोटर्स मैंने बताया उनके घर जाके उनको फॉर्म प्रोवाइड करेंगे और जो वोटर्स इंटरेस्टेड है होम वोटिंग के लिए तो उनसे हम कंसेंट लेके वो फॉर्म वो BLO को प्रोवाइड करेंगे। वो एक बार रिटर्निंग ऑफिसर को ये सारी डिटेल्स चली जाएगी, उसके बाद एक स्पेशल टीम जैसे बनाई जाएगी, वो इन वोटर्स के घर जाके वो वोटिंग एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसमें वीडियोग्राफी भी होगी, सिक्योरिटी पर्सनल भी उनके साथ होगे और पॉलिटिकल पार्टीज को भी एडवांस में इंटीमेशन, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ये किया जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि कोई वोटर छूटना नहीं चाहिए और हमारा मैक्सिमम वोटर्स वो पोलिंग स्टेशन पे आए, और अगर वो पोलिंग स्टेशन में नहीं आ पाते तो हम होम वोटिंग की भी प्रोविजन करें। उसके साथ जो सर्विस वोटर्स है वो हर टाइम के इलेक्शन की तरह उनके लिए जो फैसिलिटी होती है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारी कोशिश है कि सारे वोटर्स को टारगेट हम कर रहे हैं और कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। और जो हमारे जैसे मैंने बताया कि यंग वोटर्स एक प्रायोरिटी रही और उनको भी मेरी अपील यही है कि आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि एक रिस्पॉन्सिबल वोटर्स या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि इस जो पोलिंग डे को एक हॉलीडे की तरह ना मनाए, बट हम घर से बाहर निकल के हमारा जो कीमती वोट है वहाँ जाके आप पोलिंग स्टेशन पे आप कास्ट करें। बहुत बार जैसे युवा जो पहली बार वोट कर रहा है, या बहुत बार कई ऐसे लोग जो इसके बारे में नहीं जानते होते कि भाई हमें वो कौन से पत्र परिचय पत्र ले जाने हैं, कई बार उनमें ये बड़ी भ्रम की स्थिति होती है कि किसी से सुन लिया अमुक व्यक्ति से कि भाई यही ले जाना है, शायद यदि उसके पास नहीं है वो, तो कई बार वो इससे कतराता रहता है कि शायद हम वोट करने जाएंगे और वहाँ वोट नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन कौन से परिचय पत्र हैं जिन्हें लेकर वो वहाँ पहुँचे और अपना वोट दे?
ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हर बार हमें ये दिक्कत आती है कि वोटर्स को कभी कभी वो पता नहीं होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट उनको ले जाना है, और जब वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचते हैं तो फिर दिक्कत आती है, फिर कई लोगों को वोटिंग बिना किए वापस जाना पड़ता है, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि ये मैसेज आपके थ्रू भी आज मैं पहुँचा दूँ कि जो ईपिक कार्ड होता है हमारा, जो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसके साथ 12 और डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका मनरेगा का जॉब कार्ड आ सकता है, आधार कार्ड आ सकता है, आपका पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट है, बैंक का पासबुक है, ऐसे एक डिटेल में 12 टाइप के डॉक्यूमेंट्स है। वो हम सोशल मीडिया के थ्रू भी उसको अवेयरनेस कर रहे कि ये डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे तो आप अपना वोट व पोलिंग स्टेशन पे आके कास्ट कर सकते हैं। कई बार हमारे युवा आपके संदेश वाहक भी होते हैं कि वो अपने गांव में या वो जहां रह रहे हैं वो ये बातें बताते हैं कि भाई आप भी जाकर वोट करिए। इन युवाओं के लिए भी क्या कोई संदेश है चुनाव में, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पहली बार वो वोट कर रहे हैं, उनको आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन का काफ़ी फोकस रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर लाए, क्योंकि उनके भी कई उस टाइम ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं कि जैसे कहीं कोई जॉब पे जाने का है, कोई किसी का एग्ज़ाम हो, बट ये जैसे मैंने बताया कि 5 साल में सबसे बड़ा ये त्यौहार ही आप बोल सकते हैं, ये त्यौहार है, और आप पहली बार आपका वोटर लिस्ट में नाम आया तो सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिसको हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी रहती है, तो हम इलेक्शन को भी हम एक मान सकते हैं जी, कि जी, जी, हमारी ड्यूटी है कि हम वोटर्स पोलिंग डे पे जाके अपना वोट कास्ट करें, तो थ्रू सोशल मीडिया हो या हमारे जो कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हो उसके जरिए भी हमारी कोशिश यही रहेगी ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि पोलिंग स्टेशन भी ऐसे नहीं कि उनके घर के पास ही मैक्सिमम, हमारी कोशिश वही रही कि पोलिंग स्टेशन उनके पास ही है, ज़्यादा उनको दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो 20 मई को मेरा यही अपील है सारे वोटर्स को, स्पेशली यंग वोटर्स को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग पोलिंग स्टेशन पर आए और अपना वोट कास्ट करें। जी, हमने अभी हमने उनसे अपील भी करी। कई बार जब हम आजकल सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं या हम ढेर सारी ऐसी सूचनाएं जो बिना फिल्टर किए हुए लोगों तक पहुंच रही हैं, चूँकि आज हम दोनों अपने उन श्रोताओं से बात कर रहे हैं, अपने उन वोटर से बात कर रहे हैं, उनसे इस चुनाव प्रबंधन में जो कि आप कर ही रहे हैं उसके साथ साथ उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत भ्रामक स्थितियों में लोगों तक पहुँचती हैं और जो सत्य नहीं होती। आपको पता है कि सोशल मीडिया का रीच आजकल काफ़ी बढ़ गया है, मैक्सिमम चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारी तरह हमारे पास पहुंचती है, तो इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फोकस इस बार काफ़ी रहा है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। एक ऑब्स्टेकल में जो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी उसमें ये पॉइंट था, तो काफ़ी प्रयत्न उसके लिए किए गए। सबसे पहला मैं अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने मिथ वर्सेस रियलिटी करके पोर्टल लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भ्रामक कोई पोस्ट किया गया है जिसमें कोई तथ्य नहीं, उसको इमिजिएटली उसको वहाँ पे रिबटल करके जो फैक्ट्स है वो लाने की कोशिश की गई है। और सोशल मीडिया हैंडल्स जो इलेक्शन कमीशन का हो या डिस्ट्रिक्ट में डीओ का हैंडल हो या फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो, उसके जरिए भी हमारी कोशिश रहेगी कि रही है कि फैक्चुअल पोजिशन जो भी कोई इशू अगर कोई रेस करता है तो उसका फैक्चुअल जो सत्य है वो लोगों के सामने लाने की हमारी कोशिश है। और हमारा एक सोशल मीडिया सेल भी हमने रिसेंटली एक्टिव किया है, जो सोशल मीडिया पे जो भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है उसका भी मॉनिटरिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देश है, उसके उसके तहत हम वो भी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। प्लस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उस पर जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट की जाएगी उसको प्री सर्टिफिकेशन का भी कंपल्सरी जो करने के लिए कमेटी भी है, एमसीएमसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का भी गठन किया गया। प्लस हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया उसके बाद वो लागू हो गया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी ग्राउंड पे अभी एक्टिव है। और आपके जरिए ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे आईटी एप्लीकेशन इस बार दिए हैं कि ताकि वोटर्स को और जनरल पब्लिक को सहूलियत हो। जी, इसमें से एक मॉडल कोड कंडक्ट की बात करेंगे तो सी विजिल करके एक
एप्लीकेशन पिछले इलेक्शन में भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको यूज़ किया गया जी, था। जी जी तो सी विजिल ऐप में ये प्रोविजन है कि अगर आप कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन आपके आसपास देखते हैं तो उसमें जाके कोई भी जनरल पब्लिक वो उसके रिलेटेड फ़ोटो वीडियो जी वो जी अपलोड कर सकता है। इमिजिएटली उसका नोटिफिकेशन हमें जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस को आ जाता है, कंसर्न फ्लाइंग स्क्वाड, जी वो उस पर तुरंत जाके एक्शन करके उसमें जो भी आपने एक्शन लिया वो 100 मिनट्स में हमें वो अपलोड भी करना होता है। जी तो जी मैं तो ये बहुत अच्छा एक अच्छा जी इनिशिएटिव है, उसका जी सबने यूज़ करने के लिए मैं सबको अपील भी करूँगा ताकि उसके ज़रिए हमें अगर कोई वायलेशंस होती है जी मॉडल जी कोड जी करने की जी वो जी जी तुरंत जी हमारे आपको तुरंत नॉलेज पता में चल जाए आए। और उसका जी निराकरण हो जी जाए। जी उसके साथ ही इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर है जी उसका जी मॉनिटरिंग के लिए भी अलग से एक टीम रखी है हमारी, जो हमारे मेजर जो रोड ट्रांसपोर्ट कारगिल में जो एंट्री पॉइंट्स हैं जी जी वहाँ पे जी भी हमारे स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स भी एक्टिव की जा रही, जो व्हीकल्स की चेकिंग करेगी, जी फिर जी जो जी बैंक्स में जो अगर सस्पिशियस कोई ट्रांजिशन आता है तो बैंक्स के थ्रू भी हमें उसका अलर्ट मिल जाएगा। जी तो मैं जी मानता हूँ बहुत सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से कोशिश की गई कि इलेक्शन कैसे फ्री एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हम किए जाए, उसमें मनी है मसल है जी या जी मिस इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें उसमें ना आए, जी 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 ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक जिम्मेदारी दी है कि जी फ्री एंड जी फेयर इलेक्शन को हमें कंडक्ट करना है, उसके लिए ये सारे हमने टूल्स का यूज़ हम कर रहे हैं। जी चलते चलते हमारे श्रोताओं को या विशेषकर आपके जो वोटर हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप चुनाव के संदर्भ में? जैसे मैंने बताया कि ये 5 साल में सबसे बड़ा चुनाव है और हम सबके लिए त्यौहार की तरह उसको मानना जी चाहिए। जी और मेरी अपील सारे वोटर्स जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वोटर्स हैं उनसे मेरी अपील यही है कि 20 मई को सब लोग अपना कीमती वोट डालने के लिए अपने नियरेस्ट जो पोलिंग स्टेशन है उसमें आए और अपना कीमती वोट आप कास्ट करें। कोई दबाव में ना आकर या प्रलोभन में ना आकर जी आपको जो सही आपको कैंडिडेट लगता है उसके लिए आप वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पे आए। तो मेरा अपील यही रहेगा, देश के प्रति हम सबकी ड्यूटी बनती है और एक ड्यूटी यही भी है कि आप पोलिंग के टाइम पोलिंग स्टेशन पे आके आप अपना वोट कास्ट करें। जिला निर्वाचन अधिकारी कारगिल को। और दोस्तों हम सभी का ये उत्तरदायित्व तो भी है, जैसा अभी सर ने बताया है कि भाई ये ढेर सारे प्रबंध किए गए हैं आपके लिए, ये व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके साथ साथ आपकी भी सहभागिता जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपका सहयोग आवश्यक है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए जो सबसे स्वस्थ परंपरा है वो है वोटिंग। जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी, जितनी अच्छी वोटिंग होगी, जितनी स्वस्थ वोटिंग होगी, उतना ही आपका लोकतंत्र मजबूत होगा और आपका देश विकसित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू।